जो कि बंगाल में बहुत ही फेमस है, वहाँ के गुपचुप, वहाँ के आलू का मसाला और पानी। तो आज मैंने बिल्कुल उसी स्टाइल में, स्ट्रीट स्टाइल में बनाया है ये गोलगप्पे का पानी और आलू का मसाला, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे 10 से 12 आलू को उबाल लिया था, उसे छील के एक बाउल में रख लिया है, आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक कटोरी इमली को लगभग 2 गिलास पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। इमली हमारी यहाँ पे अच्छे से भीग चुकी है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ धनिया पत्ती ली है और 8-10 हरी मिर्ची को इस तरह से काट के ले लिया है। इसका हम पेस्ट बनाएंगे दरदरा सा, ये देखिए इस तरह से दरदरा पेस्ट हमें इसका बना के तैयार करना है। अब हम इस इमली को हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। इमली का पानी बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप ये वाला पानी एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे एकदम। अब इसे हम एक बड़े बाउल में ऊपर छन्नी रख के छान लेंगे। पानी को आप उतना ही खट्टा रखिए जितना आपको पसंद हो। आप इसमें और भी 3 से 4 गिलास पानी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार लगभग 2 से 3 गिलास पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से छान लूँगी। तो ये देखिए चम्मच से हम इसे एकदम अच्छे से इमली को इस तरह से मैश करते हुए छान लेंगे और इसका बाकी का बचा हुआ एक्स्ट्रा जो भी पल्प वगैरह है उसे हम साइड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 से 3 गिलास पानी और जो हमने यहाँ पे ये दरदरा वाला हरी मिर्ची धनिया पत्ती का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे और लगभग 2 चम्मच के करीब हम पेस्ट यहाँ पे बचा लेंगे जो हम आलू के मसाले में यूज़ करेंगे। आप इस तरह से हरी मिर्ची को पीस के डालिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। जीरे को कढ़ाई में भून के मिक्सी में पीस लीजिएगा, बड़ी ही आसानी से जीरा पाउडर घर में ही तैयार कर सकते हैं। काला नमक, मैं यहाँ पे लगभग 2 चम्मच के करीब काला नमक डाल रही हूँ। आप सभी मसाले अपने पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चम्मच सफ़ेद नमक, इस पानी में नमक थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच चाट मसाला। तो अब इस पानी का स्वाद तो बिल्कुल लाजवाब है। आपको इस तरह का पानी जब आपका बहुत स्पाइसी सा गुपचुप खाने का मन करे तो आप ये वाला पानी घर में ज़रूर ट्राई करें। अब आप इसके अपने पसंद से इसमें सादा पानी ऐड कर सकते हैं, जितना खट्टा पानी आपको पीना हो उतना। तो ये हमारा पानी बनके तैयार है, अब हम मसाला तैयार करेंगे। आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हम सारे आलू को हाथों से अच्छे से मैश करके यहाँ पे रख लेंगे। इसी के साथ जो हमने हरी मिर्ची और धनिया का पेस्ट बचाया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 2 प्याज जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया था उसे। अब हम मसाले ऐड करेंगे, तो इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सादा नमक, नॉर्मल खाने वाला नमक जो हम घर में यूज करते हैं वही डालना है, 1 चम्मच हम इसमें ज़्यादा डालेंगे जीरा पाउडर। तो फ्रेंड जब भी आप ये मसाला और पानी बनाएं तो मसाले की बिल्कुल कंजूसी ना करें, आधी छोटे चम्मच चाट मसाला और सारे मसाले हम अच्छे से डालने हैं और पूरे अच्छे से हाथों से फिर से एक बार मैश कर लेना है। तो ये हमारा टेस्टी टेस्टी आलू का मसाला यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे गुपचुप, आपके यहाँ जो भी बोलते हैं उसके लिए पानी और आलू बिल्कुल तैयार है। तो आप इस तरीके से एक बार आलू का मसाला और ये गुपचुप का चटपटा